जय हिंद दोस्तों, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पेस्टो पास्ता। बिल्कुल इजी है, आप अपने घर में भी बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमें पेस्टो पास्ता बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए। तो दोस्तों, पेस्टो पास्ता बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पास्ता, कुकिंग क्रीम, पेस्टो, परमेसन चीज़, बटर, गार्लिक, चिकन, मैगी पाउडर। तो पास्ता हमने यहाँ पे पेने पास्ता यूज़ किया है, आप चाहो तो दूसरा पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाने के लिए सबसे पहले हम डालते हैं बटर और उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। अब ऐड कर देते हैं गार्लिक, गार्लिक को भी थोड़ा सा मिला लेते हैं अच्छे से। मिलाने के बाद में साथ में ही हम ऐड कर देंगे इसमें कुकिंग क्रीम, कुकिंग क्रीम को भी थोड़ा अच्छे से मिला लेंगे उसमें। मिलाने के बाद में हम उसमें अब ऐड कर देंगे पेस्टो, जो कि हमने पहले से पेस्ट करके रख लिया था। आप भी पेस्ट बना के रख लें या फिर रेडीमेड भी आपको मिल जाएगा। पेस्टो को हम थोड़ा पका लेंगे अच्छे से। तो हमारा पेस्टो जो है वो पक चुका है। अब हम उसमें ऐड डाल देंगे चिकन। चिकन हमने पहले से ही ग्रिल कर लिया था दूसरे फ्राई पैन में और काट करके रख लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में, तो आप भी ऐसा ही कर लें। हमारा चिकन जो है वो पका हुआ ही है ऑलरेडी, तो हमारा सॉस भी रेडी है। तो अब हम ऐड कर लेंगे उसमें पास्ता, पास्ता को भी अच्छे से मिला लेंगे, पास्ता को अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ी देर उसमें हम पका लेंगे। तो हमारा ये जो पास्ता है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम उसमें परमेसन चीज़ डालेंगे, परमेसन चीज़ लास्ट में ही डालें, और मैगी पाउडर। हमारा जब पूरा बन के रेडी हो जाएगा तो हम उसको लास्ट में डाल के मिला के निकाल लेंगे। तो हम उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा मैगी पाउडर। अब इसको भी हम मिला लेते हैं अच्छे से और निकाल लेंगे बाहर। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम कर लेते हैं प्लेटिंग। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा पास्ता बन के रेडी है और कुछ इस तरह से कलर आया है। आप घर में ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।